Good morning dear student, welcome to the online class. This is the class of social science, belongs to class 6. So हम discuss कर रहे थे chapter 3 that is latitude and longitudes, और इसमें आज का हमारा topic है that is features of latitude. Okay, the main feature of latitude are as following. Latitude is the angular distance of a place north or south of the equator. जो latitude होता है एक angular distance होता है किस place के बीच में, north and south equator के बीच में, ठीक है. That is called latitude. There are 180 parallels of latitude. 180 parallels latitude हैं और सारे जो latitudes हैं वो क्या हैं, circle में हैं. Latitude are of unequal length है ना, ये मैंने आपको बताया था कि वो unequal length के होते हैं. क्यों? क्योंकि जो सबसे middle part होता है वो सबसे larger होता है. Because जो अर्थ है वो स्फीयर है ना, स्फेरिकल शेप में है, तो इसलिए जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते हैं तो उस वहाँ पर डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है. और लेकिन जो साइज़ है वो कम होती जाती है. इट मीन्स इफ़ दिस इज़ अवर अर्थ, ये इक्वेटर हो गया, तो ये जाएंगे ना तो इसके बीच ये डिस्टेंस, इसकी लंबाई जो है वो कम होगी. पर दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा गैप. यानी कि अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप है तो उसके ऊपर वाले में भी 1 सेंटीमीटर का गैप ही होगा, ठीक है. अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर द इक्वेटर है ना, ज़ीरो जो होता है, ठीक है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भी है 23.5 है ना साउथ. याद रखिएगा जो कैंसर होता है वो नॉर्थ होता है और जो कैप्रिकॉर्न होता है दैट इज़ साउथ. द आर्कटिक सर्कल 66.5 degrees नॉर्थ एंड एंटार्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 degrees south. ये कुछ लैटिट्यूड्स के नाम हैं, ठीक है. द डायरेक्ट रेज ऑफ सन आर एक्सपीरियंस्ड ओनली इन द ट्रॉपिकल एरियाज. जो सन की डायरेक्ट रेज है वो कौन एक्सपीरियंस करता है, जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं. सो द रेज मूव ओवर एनी अदर लैटिट्यूड बियॉन्ड दिस जोन्स. द वर्टिकल और डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर हॉटर देन द स्लैंटिंग वंस है ना. जब आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होगी है ना. और जब स्लैंट करके कोई चीज़ पड़ती, तिरछी पड़ती, तो आपको कम लगती है. तो जैसे देखिए ये डायरेक्ट है, इक्वेटर पर क्या होता है वो डायरेक्ट पड़ती है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक और इधर बढ़ती जाती है वो स्लैंटिंग होती जाती है, और जब नॉर्थ पोल पे पहुंचती है तो वहाँ पर बिल्कुल स्लैंट कर जाती है. इसलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है दोनों, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो पोलर एरिया हो जाता है, यानी कि बहुत ही ठंडा एरिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज है वो पहुँच ही नहीं पाती. जितना आप इक्वेटर के पास आते जाएंगे उतनी ही हॉटनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है. हीट जोन. द लैटिट्यूड हेल्प अस टू डेमेक्रेट सर्टेन जोन्स ऑफ सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन आर द मेन हीट जोन्स, ठीक है. इस तरह से आप देख रहे हैं दैट इज़ द टॉरस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना. ये आप देख रहे हैं इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है और ये कैप्रिकॉन है, ठीक है. तो द टॉरिड जोन lies between the Tropic of Cancer and Tropic of the Capricorn as the sun rays falls vertically throughout the year this receive maximum heat. The word torrid means hot. तो यानी कि इन दोनों के जो बीच का ये एरिया यानी Tropic of Cancer and Tropic and Capricorn ये सबसे क्या होता है, हीटेस्ट होता है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है, ठीक है. सो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टॉरिड. टॉरिड मीन्स क्या होता है, हॉट. द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. यानी कि अब उसके ऊपर के बीच में जो बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द एंटार्कटिक सर्कल ऑफ साउथ हेमिस्फीयर. टेम्परेट मीन्स मॉडरेट. दिस जोन इज मॉडरेट टेम्परेचर. ओके, सो अगर यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका हॉटर यहाँ पर, और इसके नीचे बिकॉज स्लैंट कर रहा है तो ये दोनों क्या पड़ जाएंगे, ये मॉडरेट है. यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट यहाँ पर होता है. ओके, सो नेक्स्ट है द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल ऑफ द साउथन हेमिस्फीयर. द रेज ऑफ द सन आर वेरी मच ऑन अ स्लैंट एंड हार्डली राइज अबव द हॉरिजन. As a result, the region remains cold throughout year and especially so in winter. The word frigid means, देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपको पूरा दिख रहा है कि
कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मेंशन है। तो आप इस डायग्राम को देखकर और जो उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको देख करके आप पता करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे क्या दैट इज़ हॉटर ये एरिया और ये नीचे का एरिया क्या है, मॉडरेट है, और जो सबसे ऊपर वाला एरिया है दैट जो नॉर्थ और साउथ पोल है दैट इज़ फ्रिजिड मीन्स कोल्ड। ओके, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड मेडेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड नेक्स्ट क्लास में।